सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज़ जतिन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आप सब लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पर हम आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, बिटकॉइन का क्या कुछ मूव हो सकता है अगले कुछ समय के अंदर और क्या कुछ चल रहा है फिलहाल के लिए क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ से रिलेटेड, वही सारी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों को जैसे पता ही होगा कि बख्त कल 22 जुलाई को अपना एक टेस्ट करने वाला है जहां पर कि एक फाइनल टेस्ट की तरह होगा। अगर वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो उस सिचुएशन में बख्त अपना जो प्लेटफॉर्म है वो लेकर आ सकता है एकदम लाइव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। और जहां पर कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वन डे के भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जहां पर शॉर्ट किया जा सकता है, लॉन्ग किया जा सकता है और जो कि पूरा का पूरा बैक्ड अप होगा रियल बिटकॉइंस के साथ में। तो इस सिचुएशन में अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ कल हमको देखने को मिली अगर मार्केट के अंदर कि बख्त का अगर जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा तो उस सिचुएशन में BTC का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ सकता है। तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर BTC का प्राइस अगर ऊपर की तरफ आया तो क्रिप्टो करेंसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर और अच्छी न्यूज़ होगी और उस सिचुएशन में हमको प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल भी देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी बिटकॉइन से रिलेटेड। साथ ही साथ अभी चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ पे जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है चार्ट्स के ऊपर बिटकॉइन को लेकर, ताकि आप सब लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। तो अभी मैं चलता हूँ चार्ट्स पर जहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी चार्ट्स अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं जो कि है BTC USDT का चार्ट, जो कि फिलहाल के लिए 4 आवर्स का चार्ट है। 4 आवर्स के चार्ट पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर BTC बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है एक ऊपर वाले जोन में। ठीक है, मैं आपको 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ एक आध पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिसके अंदर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे भी देखने को मिल जाए। तो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए मार्केट सिचुएशंस पे। तो अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से BTC ने यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया था 4 आवर्स के चार्ट पे, ऊपर की तरफ आया प्राइस और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली 21 EMA को सपोर्ट लेकर चल रहा है। आप सब लोगों का ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आप नोटिस करते होंगे कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ जहाँ पर कि हमको यहाँ पे जितने भी MA EMAs इंपॉर्टेंट MA EMAs हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ। तो उसी चीज़ को लेकर मेरे को एक काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिंग पैटर्न, एक तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगती है जहाँ पर हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो सपोर्ट है वो 21 EMA पे 4 आवर्स के चार्ट पर दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि क्या नीचे आ सकता है प्राइस, तो डेफिनेटली अगर हम वन डे के चार्ट पर अगर देखें तो डेफिनेटली ये भी वन डे के चार्ट पर 21 EMA जो है इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिपक चुका है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कल रात को जैसे कि मैंने टेलीग्राम पर आप सब लोगों को एक वीडियो भी भेजा था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर इसने 21 EMA के तो ऊपर ट्रेड करा है लेकिन अगर 20 EMA को क्रॉस करके अगर 11-100 के ऊपर अगर हमें क्लोजर अगर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आने वाले समय के अंदर अभी फिलहाल के लिए हो सकता है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड रहे 1-2 हफ्ते के लिए, ये चीज़ हो सकती है। और ये कुछ लग रहा है मेरे को चार्ट्स के ऊपर, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिल जाए। अगर मैं बात करूँ गिरावट देखने की, क्या गिरावट आ सकती है या नहीं, तो उस सिचुएशन में हम वीकली चार्ट को एक और चीज़ कंसिडर कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट पर हमने देखा कि यहाँ पर 9 EMA पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस ऑफ कर गया मार्केट, और अभी फिलहाल के लिए हो सकता है कि इन लेवल्स को ये दोबारा से टेस्ट कर ले, जो कि हो सकते हैं 9600 के लेवल्स को टेस्ट कर ले। और अगर इसने 9200 के आसपास के लेवल्स को अगर ब्रेक कर अगर नीचे अगर आता है तो हो सकता है कि ये यहाँ से 8000 के लेवल्स के आसपास या फिर 7000 के आसपास के लेवल्स के आसपास भी आ सकता है, 8000 और 7000 के लेवल्स के बीच में भी आ सकता है। उसका रीज़न मैंने आपको कल बताया था कि CME का एक जो गैप है वो डेफिनेटली फिल हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर मैं आपसे अभी एक और चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगा जहाँ पर हो सकता है कि हम बुल मार्केट में हैं तो क्या कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं अगर हम बुलिश मार्केट में हैं। तो हम सब लोगों ने देखा था कि 20,000 का जो प्राइस था वो डेफिनेटली मार्केट ने हिट किया था 2017 में सबसे ऊपर लेवल पर, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली जो कि अगर वेव ए थी, क्योंकि डेफिनेटली फॉर श्योर जो फिफ्थ वेव होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती है,
तो फिफ्थ वेव तो काफ़ी ऊपर की तरफ जा ही चुकी थी जो कि हमने यहाँ पर इस तरफ देखी थी। अब इसके बाद हमने जो देखा वहाँ पर देखा कि एक करेक्शन आया जो कि ए वेव की करेक्शन आई होगी और वहाँ पर 6000 के लेवल्स पर टच करके 11700 के आसपास का लेवल जो है दोबारा से ऊपर की तरफ टेस्ट किया। उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस नीचे की तरफ आया और 3150 के आसपास नीचे की तरफ सी वेव कम्प्लीट हुई हो सकती है। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर ये सी वेव थी और यहाँ पर कम्प्लीट हो गई तो उसके बाद फर्स्ट वेव स्टार्ट होगी, क्योंकि हमेशा से इलाइट वेव की जो थ्योरी रहती है वो रहती है 1 2 3 4 5 और उसके बाद रहती है ए बी सी, इस तरीके से करके फिर से अगेन 1 2 3 4 5 फिर ए बी सी फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके से काउंटिंग चलती है जो कि इलाइट वेव की जो काउंटिंग चलती है। और अभी मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो अगर सी वेव से अगर ये ऊपर की तरफ अगर ये फर्स्ट वेव कैलकुलेट अगर हम करें जो कि 14000 के लेवल्स तक 13980 के लेवल्स तक ऊपर गई थी और उसके बाद अभी एक करेक्शन अगर आ रहा है तो करेक्शन के लेवल पर, अगर ये वीकली चार्ट है ऑफ कोर्स तो वीकली लेवल पर ही मैं करेक्शन कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पे जो करेक्शन कैलकुलेट होगी वो 21 EMA और 20 EMA के सपोर्ट पर होगी जो कि 7000 और 8000 के लेवल्स के बीच में हो सकती है लगभग लगभग, और हो सकता है कि उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है कि अभी अगर एक दो हफ्ते की अगर समय लगे अगर गिरावट आने में तो उस सिचुएशन में हमको थोड़ा सा और ऊपर जो है वो करेक्शन देखने को मिले, लगभग लगभग 8000-8500 के प्राइजेस जो हैं वो वहाँ तक फॉल डाउन कर सकता है शायद, इस तरीके से जो कि लग रहा है पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये सेकेंड वेव ऊपर की तरफ आती है तो ऊपर की तरफ जो थर्ड वेव जाएगी जो कि पॉसिबल हो सकता है कि जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड रहा है लाइक ऑलवेज कि नवंबर मंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो अक्टूबर नवंबर मंथ के अंदर हमको थर्ड वेव ऊपर की तरफ दिख सकती है जहां पर हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि 30000 के लेवल्स तक भी टच कर सकता है मार्केट। और अगर 30000 के लेवल्स पर अगर टच किया तो जैसे कि मार्केट का रूल है ऊपर हाइज बनाने के बाद एक 30% की करेक्शन हमको देखने को मिल जाती है, तो 30% की करेक्शन वापस वहीं आ जाएगी जो कि 20000 के लेवल पर जो कि सपोर्ट की तरह बन जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये ऊपर के लेवल 30000 के लेवल्स जो वो डिसाइड किए हैं कि लगभग लगभग 30 या 31000 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं जहां पर हमको वापस उसी जगह पर ही सपोर्ट देखने को मिल सकता है जहां पर पिछली बारी रेजिस्टेंस देखने को मिला जो कि था 20000 के लेवल्स के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन फाइनली फिफ्थ वेव जो कि 2020 में हमको काफ़ी ऊपर की तरफ मार्केट रेगुलरली मार्च के बाद हो सकता है कि काफ़ी ऊपर देखने को मिल जाए। ये तो था फर्स्ट सिनेरियो, और उसके अलावा हम सेकेंड सिनेरियो भी डिस्कशन करना चाहेंगे जहां पर अभी हम बुल मार्केट के अंदर आए ही नहीं और हो सकता है कि एक बुल ट्रैप था और हो सकता है कि मार्केट पूरी की पूरी बुल ट्रैप हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हुआ ये कि मार्केट 20000 से सीधे नीचे की तरफ आया 3100 के आसपास 3150 के आसपास, और यहाँ पर नीचे आने के बाद ए वेव कंप्लीट हुई एंड देन बी वेव कंप्लीट हो गई 14000 के लेवल्स पे। एंड देन अभी अगर प्राइस अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर जाता है तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि वो 3000 के लेवल्स को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए, तो ये कुछ एक और पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है जिसमें मार्केट लॉन्ग टर्म जो कि है बेयरिश मोड में चला जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये चार्ट जो है वीकली लेवल पर क्लोजर दे दे 21 EMA और 20 EMA के नीचे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी यूजुअल सिनेरियो में, और उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा गॉड नोज व्हेन। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और पॉसिबल सिनेरियो की बात कर लेते हैं इसी वेव पैटर्न को लेकर जो कि हो सकता है, जो कि उम्मीद लगती है कि ऐसा हो भी सकता है और शायद ना भी हो। और दूसरा जो है पॉसिबल सिनेरियो वो ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ से 20000 से नीचे आया मार्केट जो कि लगभग लगभग ए वेव नीचे की तरफ 3150 के आसपास बनी एंड देन नेक्स्ट वेव जो बनी वो लगभग लगभग 20000 के आसपास डबल टॉप के लिए जाए, और डबल टॉप जैसे ही यहाँ पर बनेगा फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है जो कि सी वेव में वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास जो है वो टच कर सकता है, जहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न हमको देखने को मिलेगा एक तरीके से जो कि आप यहाँ पर चार्ट्स पर देख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर हेड एंड शोल्डर या फिर डब्ल्यू पैटर्न जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने आपको पिछला सिचुएशन बताया ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक तरीके से, और ये जो था वो डब्ल्यू सिचुएशन हो सकती है। ये कुछ कुछ पॉसिबल सिचुएशंस हैं जो कि डेफिनेटली मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हम एक बुल रन के अंदर हैं तो डेफिनेटली ये पॉसिबल सिचुएशन जो कि काफी अच्छी पॉसिबल सिचुएशन चार्ट्स के ऊपर दिख तो रही है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन रियलिटी किस तरीके से होगी वो चीज डेफिनेटली देखना जरूर बनता है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ कुछ अपडेट्स थे जो कि बिटकॉइन से रिलेटेड अपडेट्स थे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, मार्केट डेफिनेटली इसी तरीके से ही ट्रेड करता है। जिस सिचुएशन पर अभी इस समय पर
ऑल्ट कॉइन्स हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केट को ब्लीड करते हुए मैं नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा बिटकॉइन का प्राइस या फिर ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस। डेफिनेटली हमको एक ऐसे पॉइंट पर ज़रूर दिख सकता है प्राइस जहाँ पर 7000 और 8000 के लेवल्स को टच करते हुए दिख जाए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगर वहाँ तक अगर मार्केट नीचे आता है तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जहाँ पर मार्केट को डिसाइड करना होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ, और किस समय पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी डेफिनेटली मार्केट के अंदर। अगर ये मार्केट 7000 के आसपास होल्ड कर जाता है मार्केट, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर हमको काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और एक पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव सिनेरियो भी देखने को मिल जाए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। लेकिन अगर ये मार्केट कॉन्टिन्यूसली अपने ऑल टाइम हाई को, अगर BTC अगर अपने ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करता हुआ चला जाए, तो उस सिचुएशन में हमको एक नए हाइज ऑल्ट कॉइन के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, मार्केट को स्टिक करना पड़ेगा एक पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के लिए। मैं कहूँगा कि अभी एक तरीके से नो ट्रेड जोन है अभी फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए हमको वेट करना चाहिए, डिसाइड कर देना चाहिए मार्केट को, डिसाइड कर लेना देना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेट्स सी आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और ऑफकोर्स अगस्त मंथ बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि नीचे की तरफ हमको देखने को मिल जाए या फिर हमको सेम लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाएं। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले समय के अंदर। अभी फ़िलहाल के लिए आपको आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आप सब लोगों ने हमको मेरे को भेजे हैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए वन कॉइन के बारे में पूछा है, और उससे पहले क्वेश्चन है नाजिर का, जिन्होंने पूछा है कि लॉन्च पैड में कौन सा कॉइन है जो कि बेस्ट है। तो नाजिर भाई मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल के लिए वन बिनांस के जितने भी IO कॉइन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और क्योंकि काफ़ी सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को ही बिनांस अपने लॉन्च पैड पर लेकर आता है, उसमें से वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन इज़ वन कॉइन, क्योंकि हारमनी वन कॉइन डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छा रेगुलरली प्रोग्रेस कर रही है, और काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप वगैरह में इंटरेस्टेड है ये कंपनी। तो डेफिनेटली एक वन कॉइन जो है काफ़ी अच्छा इस समय पर अच्छा मूव दे रही है। उसके अलावा फेच मेरा दूसरा चॉइस है, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि सेलर और BTT भी काफ़ी अच्छे कॉइन्स हैं। तो ये सारे के सारे अच्छे कॉइन्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉइन ख़राब है जो कि लॉन्च पैड पर आया हो, काफ़ी अच्छे सिचुएशंस के साथ में हमको अगर अभी लेना हो तो काफ़ी बेटर प्राइस पर हम आगे आने समय में बेच सकते हैं इन कॉइन्स को। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास एक जो होल्डिंग पावर है वो ज़रूर होनी ही चाहिए। इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं ऋषभ की, और ऋषभ ने भेजा है वन और ERD कॉइन के बारे में। तो वन के बारे में तो डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ, और ERD कॉइन जो वो डेफिनेटली एक नया कॉइन है, काफ़ी कोई पुराने चार्ट्स हैं नहीं उसके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो पुराने चार्ट्स नहीं है और इसमें टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं बनेगा मेरे भाई, और सिर्फ अभी तीसरा हफ्ता है ये कॉइन का। तो मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए इस कॉइन के लिए वेट कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से इस कॉइन के अंदर अभी ट्रेड जो है वो डेफिनेटली नहीं बनता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए तो स्ट्रेट नो है मेरे हिसाब से, भी वेट करना चाहिए इस कॉइन को मैं एंटर करने से पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आया है TRX इज़ गुड टू बाय और नॉट, और BTT के बारे में भी सेम क्वेश्चन ही पूछा है जो कि पूछा है अभी ने। तो मेरे हिसाब से TRX काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को इस समय पे, TRX का जो प्राइस है इस समय पे 278 के आसपास चल रहा है, और 278 प्राइस के बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मेरे को देखने को मिल रही है वो दिख रही है लगभग 288 के लेवल पर। और अगर 288 के लेवल्स को अगर तोड़ने में अगर कामयाब अगर रहता है ये कॉइन तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है, और इस समय पर 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ही हो सकता है कि इसका जो टारगेट रहेगा वो एक दो दिन के अंदर हो सकता है कि 325 या फिर 320 के लेवल्स को भी टच कर सकता है, और 310 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्राइस जहां पर 310 के लेवल्स को ईजिली जो है वो टच कर सकता है TRX कॉइन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, एंड साथ ही साथ BTT के बारे में बात कर लेते हैं। BTT मेरे हिसाब से 10 सतोशी के आसपास चल रहा है प्राइस, और फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो मेरे हिसाब से 10 सतोशी के लेवल पे ही रेजिस्टेंस जो है वो बनी हुई है। अगर 10 सतोशी के ऊपर अगर हमको क्लोजर अगर मिलता है एक दो दिन के अंदर तो डेफिनेटली BTT में भी काफ़ी अच्छा जो है उछाल आ सकता है, और एक तरीके से मैं कहूँगा कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही खड़ा है BTT, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 सतोशी के आसपास के लेवल पर एक सपोर्ट है, और 8 सतोशी को जस्ट टच कर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इस तरीके से अगर रहा, और चीज़ों को हमको ट्रेड करने का फ़ायदा तब होता है जबकि ऊपर अप ट्रेंड में हो, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं कॉइन्स, तो इस समय पर अभी ट्रेड करने का कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं हमको,
छोटा मोटा स्कैल्प मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हमको एक अच्छा प्रॉफिट निकालना है तो हमको 21 EMA को और 20 MA को देखना चाहिए, जहाँ से अगर ऊपर आकर अगर प्राइस अगर क्लोजर अगर देता है तो हमको एक जो है अपसाइड के लिए डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट जो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी एंड इसके बाद और चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं जो आप सब लोगों ने भेजा है। एंड अभी ELF के बारे में पूछा है तो ELF के बारे में बात कर लेते हैं। ELF BTC का जो प्राइस है 1 डे के चार्ट पे, वो काफ़ी अभी थोड़ा सा अभी रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 1570 के लेवल के आसपास तक मार्केट जा सकता है ये, और अगर 1570 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर कर अगर ऊपर की तरफ अगर आता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा ELF के लिए भी। तो यहाँ पर हमको ये जो लेवल्स हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अपने चार्ट पर भी अगर आप चार्ट्स अगर ड्रॉ करते हैं, चार्ट अगर बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये सारे EMAs और MAs डेफिनेटली अपने चार्ट के ऊपर रखने चाहिए। तो इस सिचुएशन में मैं कहूँगा कि ये 1570 का लेवल जो है वो लगभग लगभग अगर क्रॉस करता है तो हमको काफ़ी अच्छा जो मार्केट जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर 1570 के आसपास की अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है हमको एक दो दिन के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर कभी भी, जिस भी दिन हमको क्लोजर देखने को मिले डेली चार्ट के ऊपर, तो हमको ये एक प्राइस जो है वो डेफिनेटली अच्छा मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। ELF के अंदर भी काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, देख सकते हैं आप कि यहाँ से मार्केट नीचे ही आ रहा है। कोशिश करी थी यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने की, जो कि एक न्यूज़ आई थी अमेज़ॉन से रिलेटेड, जो कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज से रिलेटेड ELF की न्यूज़ आई थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक ऊपर की तरह स्पाइक बना था। और हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से रिकवर करे तो इसी स्पाइक के अराब लगभग लगभग दोबारा से प्राइस जो है वो जा सकता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं ELF कॉइन को लेकर, एंड फिलहाल के लिए ये कुछ कुछ चीज़ें। और आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी मैं ELF की कॉल दे चुका हूँ, जहाँ से 14% का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर आ ही चुका है, जो कि अभी अपडेट दिया है थोड़ी देर पहले हमको प्रोफेशनल ट्रेडर नाम से इनका अकाउंट है उन्होंने। एंड देन इसके अलावा कुछ कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और क्वेश्चंस में अभी फ़िलहाल के लिए जो क्वेश्चन है हिमांशु भाई ने भेजा है नियो कॉइन के बारे में, कि नियो कॉइन कैसा कुछ रहेगा। तो नियो कॉइन मेरे हिसाब से काफ़ी अभी समय पर ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है आने की, जहां पर 9 EMA के तो ऊपर आ चुका है, 21 EMA और 20 MA जो रेजिस्टेंस बने हुए, बहुत ही जल्दी मेरे हिसाब से ये तोड़ देगा ऊपर, क्योंकि MACD भी ऊपर की तरफ क्रॉसओवर देने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD भी जो है वो क्रॉसओवर ऊपर की तरफ देने की कोशिश कर रहा है, और फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कॉइन है। और 4 आवर्स के चार्ट पर तो डेफिनेटली ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर मतलब 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि नियो और ONT जैसे कॉइन्स जो हैं वो चाइना के ही कॉइन्स हैं, और चाइना के कॉइन्स होने की वजह से मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि चाइना जब तक पॉजिटिव रहेगा क्रिप्टो करेंसीज़ के लेके, तो डेफिनेटली नियो और ONT कॉइन के लिए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है ही। प्लस साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नियो जैसा कॉइन हमको चाइना का अगर कॉइन है, तो चाइना में भी पीछे भी एक स्टेटमेंट आई थी, जो कि एक कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई है कि आप अगर होल्ड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को भी, या फिर आपस में पीयर टू पीयर भी अगर कुछ एक्सचेंज करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पर, और उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है चाइना भी इस समय पर धीरे धीरे करके। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे लेवल्स पर हमको नियो कॉइन जो जाते हुए दिख सकता है आने वाले समय के अंदर। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना या बाय करना इस सिचुएशन में काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुछ कुछ कॉइन्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि किशन ने पूछा है कि सिया कॉइन कब डीलिस्ट हो सकता है बिनांस से। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, सिया कॉइन को डीलिस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस समय पे अभी जो प्राइस चल रहा है आप देख सकते हो कि MACD जो है सिया कॉइन का वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है काफ़ी समय से, और एक ही प्राइस रेंज के अंदर है डेफिनेटली, और बॉलिंजर बैंड काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ कर चुका है डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ से रिकवरी जो है वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, अगर यहाँ से MACD ऊपर की तरफ गया तो, जीरो से ऊपर जाता है तो। ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ दिन का हो सकता है कि एक दो दिन का और इंतज़ार कर लेना चाहिए, जैसे ही प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाता है तो सिया कॉइन भी काफ़ी अच्छा कॉइन हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ डेफिनेटली ये प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा। प्राइस सिर्फ और सिर्फ सिया कॉइन का ही नीचे नहीं आया, बाकी सारे मार्केट भी नीचे हैं,
तो हमको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये कॉइन जो है वो डीलिस्ट हो सकता है, क्योंकि ये कॉइन भी उन्हीं कॉइन्स के बराबर गिरा हुआ है जितने कि बाकी कॉइन्स गिरे हुए हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग लगभग 600 के आसपास था, 95% डाउन, मतलब कि 30 के आसपास का लेवल बनता है, 600 से 30 अगर आया तो 95% डाउन। तो डेफिनेटली बाकी सारे कॉइन्स भी 95% के आसपास आज की डेट में ऑलरेडी डाउन हो रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कॉइन के लिए हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये डीलिस्ट हो जाएगा या क्या, तो मेरे हिसाब से इस कॉइन को होल्ड कर लेना चाहिए अगर हमारे पास है तो, और नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं अगर थोड़ा सा प्राइस अगर और नीचे मिल जाए तो, या फिर इस प्राइस के आसपास भी बाय करना चाहें तो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं डीलिस्ट के बारे में, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा XVG के बारे में पूछा है, जो कि पूछा है संतोष भाई ने, तो XVG के बारे में बात कर लेते हैं। तो XVG का मेरे हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा नीचे प्राइस है, 57 पे। सेम सिचुएशन बन रही है बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स को लेके, एक बारी जब ऑल्ट कॉइन्स की सिचुएशन जब सुधरना शुरू होगी तो डेफिनेटली XVG भी सुधरेगा ही सुधरेगा। इसी के साथ साथ MITH के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नीरज ने क्वेश्चन पूछा है। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि स्टॉच RSI पे भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, MACD पर भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है हमको, और धीरे धीरे भी फिलहाल के लिए बॉलिंजर बैंड की जो बॉलिंजर बैंड भी जो वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पतला सा हो चुका है, और यहाँ से डेफिनेटली बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रेंज के अंदर से। तो इस रेंज से डेफिनेटली बाहर निकल सकता है ये प्राइस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो मेरे हिसाब से 375 के आसपास के लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ समय का वेट करो इस कॉइन के साथ में, ये ऊपर ज़रूर निकलेगा अगर होल्ड कर रहे हो तो, अगर थोड़ा बहुत अगर एवरेज कर सकते हो नीचे की तरफ बाइंग करके तो थोड़ा बहुत एवरेज कर लेना, अगर कुछ समय के अंदर अगर यहीं पर ही प्राइस अगर आसपास ही 250 256 के आसपास अगर नज़र अगर आता है तो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड थी। ऑल्ट कॉइन का लो कहाँ पर है, जो कि किशन पूछ रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन का जो लो है वो ऑलरेडी अब टच हो चुका है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं लग रही मेरे को। जहाँ तक लगता है कि BTC डोमिनेंस को हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा नोटिस करना चाहिए, जहाँ पर अगर BTC डोमिनेंस हमको अगर वन डे के चार्ट पे जो कि है 9 EMA के आसपास ही दिख रही है, और अगर इससे नीचे अगर ट्रेड होते हुए अगर हमको दिख जाए एक बारी, तो हमको काफ़ी अच्छा रिलीफ जो है वो देखने को मिल सकता है। 9 EMA और 21 EMA के अगर नीचे अगर आ जाए, तो एक बारी अगर इसने 67.3 का लेवल तोड़कर अगर नीचे चला गया अगर, जो कि अभी 67.93 चल रहा है, एक दो दिन के अंदर गिरावट आई है, पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं कहूँ तो गिरावट आई है जो कि BTC डोमिनेंस में आई है, और अगर ये इसके नीचे का 67.3 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर हमको ऑल्ट कॉइन की काफ़ी अच्छी जो रैली है वो देखने को मिल सकती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस वीडियो में शायद स्टार्टिंग में ही ले लेना चाहिए था, लेकिन स्टिल मैं आप सब लोगों के साथ में अभी ले रहा हूँ ये पॉइंट कि अगर ये 67.3 के लेवल से अगर नीचे ट्रेड करते हुए अगर हमको दिखता है और उसके नीचे अगर क्लोजर अगर मिलता है डेली चार्ट पे, तो हमको ऑल्ट कॉइन की रैली जो है वो देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी। 9 EMA ऑलरेडी ब्रोकन है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है सेलिंग प्रेशर, तो एक तरीके से हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हमको ऑल्ट कॉइन की रैली जो है वो देखने को मिल जाए, और ऑल्ट कॉइन के जो बॉटम है वो ऑलरेडी शायद लग चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हमको और ज़्यादा गिरावट हमको कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 95% ऑलरेडी क्रैश्ड है मार्केट, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपडेट हो गई आप सब लोगों के लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी मज़ा भी आया होगा आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को अच्छी खासी एक इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर ही दी है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली हम टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर आप सब लोगों को ले लेंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को वहाँ पर खोलिए, वहाँ पर लिंक को क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, डेफिनेटली आप सब लोगों को काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पर सपोर्ट मिल ही जाएगा मेरी तरफ से भी, और जो और भी जो वहाँ पे ट्रेडर्स हैं वहाँ से उनकी तरफ से भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती ही रहेगी। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो 2-3 अकाउंट बना के लाइक कीजिए उन सारे अकाउंट्स के साथ में, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप सब लोगों को वीडियो, तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो हमारे साथ और ज़्यादा जुड़ सकें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके टेक्निकल एनालिसिस प्लस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अपडेट से रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।